Hey, hi! Introducing my Sasu Mom's super and world famous chakli recipe. Let's get started. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग. चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी. Let's get started. तो बेसिक चकली की रेसिपी तो हम सभी को पता होती है, लेकिन हमेशा परफेक्ट चकली कैसे बने उसकी जो अमेजिंग सी ट्रिक्स है ना, वो आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मम्मी ने मुझे बताई. तो यहाँ पर हमने लिया है स्टीमर, जिसमें हमने 1/3 के करीब पानी भर दिया है. उस पर हमने रखी है जाली और उस पर हमने बिछाया है वही कपड़ा जिसमें हम अधिकतर पनीर वगैरह बनाते हैं, जो पतला होना चाहिए. अब यहाँ पर हमने लिया है गेहूँ का वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, और 4 कप के करीब आटा है टोटल. और इसे अब हमें बहुत अच्छे से कवर करना है. यहाँ पर खास इंस्ट्रक्शन है कि आटे को प्रॉपरली कवर ज़रूर करना है, क्योंकि जो स्टीमर में पानी बनेगा वो पानी आटे के ऊपर नहीं गिरना चाहिए. तो इस चीज़ का आपको परफेक्टली ध्यान रखना है कि ये अच्छे से कवर हो. हमें इस आटे को किसी डब्बे वगैरह में स्टीम नहीं करना है. उसका रीज़न है कि आटा फिर उतना खस्ता नहीं हो पाएगा. तो ये दोनों ही चीज़ें हमें बैलेंस करनी है. इसे स्टीम भी करना है कपड़े में और पानी भी इस पर नहीं लगना चाहिए. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. अब हम इस स्टीमर को ढक्कन से ढक देंगे प्रॉपरली और इसे अब हम स्टीम करेंगे. अब आटे को हमने स्टीम क्यों किया है, उसका बहुत ही अमेजिंग रीज़न है यहाँ पर, कि आटे को स्टीम करने से आटा खस्ता बनता है. जो भी चीज़ आप उससे बनाएंगे ना, तो वो खस्ता बनेगी. आपको उसमें बहुत ज़्यादा मोइन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. अब कितनी देर के लिए आटे को स्टीम करना है, फुल फ्लेम पे आपको मैं यहाँ पर टाइमिंग भी दिखा रही हूँ. फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए आटे को हमें अच्छे से स्टीम होने दीजिए, बिल्कुल बिना उसको डिस्टर्ब किए. और 5 मिनट गैस बंद करने के बाद 5 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए. यानी कि टोटल 15 मिनट तक आपको इसे स्टीम करना है और उसके बाद हम इसे निकालेंगे. तो अब हम चेक करते हैं कि आटा कैसा हो गया है. जब हम इसे चेक करेंगे ना, तो आटा काफ़ी सख्त हो जाता है, काफ़ी बाइंड हो जाता है. आप देख सकते हैं कि इसमें और कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, सिर्फ आटा था, फिर भी ये काफ़ी अच्छा बाइंड हो जाता है. ये देखिए, तो इस तरीके का आटा हो जाएगा. तब समझ लीजिए कि आपका आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से खस्ता हो चुका है. स्टीम करने का टाइमिंग और फ्लेम दोनों ही आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है. फुल फ्लेम पे ही इसे स्टीम करना है. अब यहाँ पर हम कपड़े को निकाल लेंगे और इस आटे को हमें जो है छानना है, छान के अलग करना है, क्योंकि हम इसे चकली बनाने वाले हैं. और चकली बनाने के लिए हमारा आटा बिल्कुल ही एकदम स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल गठाने या फिर इसके जो है टुकड़े नहीं होने चाहिए. तो हम यहाँ पर आटे को जो है खलबत्ते से कूट रहे हैं ताकि ये अच्छे से पिस जाए और ये अच्छे से छन के स्मूथ हो जाए. तो यहाँ पर हमने इसे छान लिया है. तो इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी बेसिक हैं, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं. बट इसे बनाने का जो तरीका होता है ना, वही खास होता है. तो इसीलिए मैं मम्मी की स्पेशल रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ. मैंने भी उन्हीं से सीखा है बनाना. तो यहाँ पर देखिए, बचा हुआ जो आटा होता है उसे भी हम पीस पीस के इस तरीके से छान लेंगे और पूरे आटे को हम कम्प्लीटली छानेंगे. आप इसमें ध्यान रखिए कि एक भी गठान इसमें नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर चकली मशीन में से निकल नहीं पाएगी. तो यहाँ पर हमारा सूखा आटा रेडी है. अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे. सबसे पहले नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार. इस स्टेज पर आपको नमक कम ऐड करना है, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ. नमक ऐड कर दिया है मम्मी ने यहाँ पर. उसके साथ थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर लेंगे, लगभग 2 टीस्पून जितनी. उसके साथ हम लेंगे तिल, यहाँ पर सफ़ेद जो बिना पॉलिश वाले तिल आते हैं वो लिए हैं, 2 टेबलस्पून जितने. अब हम इन सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. अब इसका सेकंड मेन पार्ट आता है, इसमें मोन ऐड करना. जब भी हम इसमें मोन वगैरह ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है अधिकतर कि हम नॉर्मल आटे की तरह इसमें मोन ऐड कर देते हैं और फिर चकली तेल में फ्राई करते समय बिल्कुल ही बिखर जाती है. तो अब यहाँ पर हमने ऐड किया है इसमें सफ़ेद मक्खन, लगभग 1.5 चम्मच के करीब, और उसके साथ जो बटर मिल्क यानी कि छाछ थी वो भी मम्मी ने इसमें ऐड कर दी है. ध्यान रखिए, मोण का बहुत ध्यान रखना है. सिर्फ 1 टीस्पून जितना ऑयल भी इसमें मम्मी ने इस स्टेज पर ऐड किया है. ऑयल हमें सारा का सारा इस स्टेज पर ऐड नहीं करना है. आगे हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे, लगभग 1 टीस्पून जितना. यानी कि अभी तक इसमें गया है 2 टीस्पून जितना ऑयल और 1.5 टीस्पून जितना बटर. यहाँ पर हमने ली है अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट, जिसमें 3 भाग हरी मिर्ची के और 1 भाग अदरक है. ऐसे मम्मी ने लगभग इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. अब यहाँ पर हमने ली है बटर मिल्क.
बटर मिल्क यानी कि छाछ अगर आपके पास है और जो अगर खट्टी है तो उसमें आप साथ में थोड़ा पानी मिला लीजिए, या फिर अगर खट्टी नहीं है तो सिर्फ छाछ से ही आपको ये डो को रेडी करना है, ठीक है। तो ये खास इंस्ट्रक्शन है, इससे क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर छाछ जो है खट्टी है, इसीलिए मम्मी यहाँ पर आधी छाछ और आधा पानी इस तरीके से डो बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है, सिर्फ पानी डालते हुए इसका हमें एक डो रेडी करना है। डो की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, जैसे मक्की का आटा गूंदते हैं और उसे गूंदने के बाद बहुत ज़्यादा गूंद लेते हैं, फिर उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि इस डो को हमने स्टीम किया है। स्टीम करने के बाद में इसका जो ग्लूटन है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक टीस्पून जितना और ऑयल ऐड करके मम्मी इस आटे को अच्छे से मठा रही हैं ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ये देखिए, आप डो को फोल्ड करेंगे ना तो वो टूट रहा है, यानी कि हमारा जो आटा है वो परफेक्टली खस्ता हुआ है इसे स्टीम करने से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस दो तीन बार हम इसे मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल खिंच नहीं रहा है। खिंचता कब है आटा, जब इसमें ग्लूटन होता है। इसमें बिल्कुल भी ग्लूटन की मात्रा नहीं है, इसीलिए अभी खिंच नहीं रहा है इलास्टिक की तरह, ये एकदम से टूट रहा है, यानी कि ये परफेक्ट डो हमारा रेडी हो चुका है विद द परफेक्ट मेजरमेंट्स। अब मम्मी ने यहाँ पर मुझे खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि नमक हमेशा पहले ज़्यादा मत ऐड कीजिए। आप नमक और मिर्ची अगर आपको कम लगता है इस स्टेज पे आप इसे टेस्ट कर लीजिए, और अगर नमक मिर्ची या और कुछ भी चीज़ इसमें कम लगती है तो इस स्टेज पे आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें नमक और मिर्ची थोड़ा थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने यहाँ पर थोड़ा नमक और मिर्ची की पेस्ट इसमें ऐड की है, और इसे हम इस तरीके से सिंपली मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेस्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब इसकी जो डो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है या नहीं, उसे चेक करने की भी एक ट्रिक आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो मम्मी कहते हैं कि वो हमेशा करते हैं जब भी चकली बनाते हैं। तो चकली आपकी कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है कभी कभी डो पे, या फिर ओवर स्टीम तो नहीं हो गया है हमारा जो आटा है वो, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती। तो इसी स्टेज पर आपको क्या करना है कि मशीन में ऑयल वगैरह लगा के रेडी कर लीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए डो का, और एक बार 5 से 6 चकली बना के कम ऑयल में एक बार उसे फ्राई करके चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो चकली जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टूट तो नहीं रही है। चलो, ये फर्स्ट स्टेज इसका पार हो गया। इसी तरीके से 4-5 चकलियाँ बना लेंगे, और फिर जब भी हम चकली बनाएंगे ना तो देखिए, चकली को इस तरीके से राउंड घुमा लीजिए। आप सबको आता ही होगा, बहुत ही ईजी होता है ये, और इस तरीके से इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं उन्हें हमें चिपका देना है ताकि ये तलते वक्त खुले ना। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप चकली इस तरीके से ये जो सांचा है उसमें से निकालते हैं तब। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 चकली बना ली है पहले। तो मम्मी कहते हैं कि आपको अगर परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो आप इस स्टेज पे 5 से 6 चकली बना के उन्हें कंपलसरी ये आदत में ही ले आइए कि पहले आप इसे इस तरीके से चेक करेंगे। और जब तक हमारी ये 5 से 6 चकली फ्राई होगी तब तक बाकी का जो डो है उसे हम ढक के इस तरीके से रखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर वगैरह कैसे रखना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ आगे जब हम इसे फाइनली फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसका टेस्टिंग कर लिया और ये प्रूफ भी हो गई कि परफेक्ट चकली बन के रेडी हो चुकी है। टेस्ट भी कर सकते हैं इस स्टेज पर, एक भी ऑयल में जाने के बाद टूटी नहीं है, ना ही सांचे से निकालते समय टूटी है, यानी कि ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसी तरीके से सारी चकलियों को सांचे से निकाल, ये देखिए। तो इस तरीके से चकली बनाने के बाद हमने लगभग इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था किचन में बिना पंखे के। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी चकलियों को हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कीजिए। और यहाँ पर हमने इसमें छाछ ऐड की थी, उसका रीज़न बताती हूँ। छाछ ऐड करने से जब हम चकली को फ्राई करेंगे ना तो वो अंदर से हॉलो बनेगी, यानी कि उसमें अंदर आपको एक पोलापन सा नज़र आएगा। जब आप एक बाइट लेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये अंदर से बिल्कुल हॉलो है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपकी चकली बहुत परफेक्ट बनती है। अब गैस की फ्लेम कैसी रखनी है, तो स्टार्ट टू द एंड आपको गैस की फ्लेम
हाई पे ही रखनी है और बीच बीच में चकली को चलाते जाना है। चकली को ऐड करने के बाद एक मिनट के बाद उसे हम टर्न करेंगे, उसके बाद फिर से एक मिनट के बाद टर्न करेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पर इसे फ्राई करने में फुल फ्लेम पे हमें वक्त लगा है लगभग 3 मिनट 32 सेकंड का, बिल्कुल मैं नोट करके आपको बता रही हूँ। तो उतने टाइम में ये फुल फ्लेम पे फ्राई हो जाती है परफेक्टली। तो यहाँ पर हमारी करारी करारी सी चकलियाँ बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से सारी चकलियों को हम फ्राई कर लेंगे। इसे ठंडा कर लीजिए और उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे एक महीने तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक महीने तक ये बचने वाली नहीं है, तो मेरी स्वीट ट्रीट मम्मी से मिलाती हूँ आपको। तो उनकी जो चकली है वो वर्ल्ड फेमस है, आप भी बनाइएगा, खाइएगा और रेसिपी कैसी बनी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं मम्मी को भी बता सकूं कि आपकी रेसिपी जो है सबको बहुत पसंद आई है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे को एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।